हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन इंडिया एट वेरियस लेवल। तो ये क्या होता है? इन इंडिया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इज ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। तो ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है ये, ठीक है। और जो इसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी है वो भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में मिलकर वर्क करती हैं, ठीक है। द पॉलिसी प्रिंसिपल्स आर लेड डाउन बाय द सेंटर, ठीक है। और द स्टेट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द प्रोग्राम। तो इसमें लेवल्स के थ्रू हम देखते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन एट नेशनल लेवल देखते हैं। तो इसके अंदर कुछ कैबिनेट मिनिस्टर इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोग्राम में, जैसे कि और इसके साथ साथ में और कौन शामिल होते हैं, जैसे नेशनल कैबिनेट कमेटी और सेंट्रल फैमिली प्लानिंग काउंसिल और डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर। तो ये सब जो डिपार्टमेंट है और जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उनका जो नेशनल लेवल है, ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल लेवल है, उस पर इन्वॉल्वमेंट होते हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि इस चार्ट के थ्रू नेशनल कैबिनेट कमेटी ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग कमेटी, उसके बाद में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो नेशनल कैबिनेट कमेटी ऑफ फैमिली प्लानिंग किसके अंदर आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और फिर इसके दो पार्ट में है ये, पहला है सेंट्रल फैमिली प्लानिंग काउंसिल, सेकंड है एडवाइजरी काउंसिल बोर्ड कमेटी। तो एडवाइजरी काउंसिल बोर्ड कमेटी के अंदर एग्जीक्यूटिव बोर्ड आता है, ठीक है। उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग आएगा, उसके बाद में एडिशनल सेक्रेटरी आएगा, ठीक है। एडिशनल सेक्रेटरी भी तीन टाइप का होगा, असिस्टेंट कमिश्नर, दूसरा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और तीसरा जॉइंट सेक्रेटरी कमिश्नर। और जो फैमिली वेलफेयर है डिपार्टमेंट है वो उसकी वो टू विंग्स में डिवाइडेड होता है। तो सबसे पहला होता है एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, दूसरा है टेक्निकल विंग। तो सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, तो इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में क्या होता है कि इसमें इसके अंदर भी कुछ डिवीजन होते हैं, जैसे पहला पॉलिसी डिवीजन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये डिवीजन क्या करता है, जो पॉलिसीज हैं उनके फॉर्मेशन होने के बाद में उन पॉलिसी को देखता है, ठीक है। सेकेंड है इंचार्ज ऑफ मीडिया डिवीजन। तो इंचार्ज ऑफ मीडिया डिवीजन क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ है और जो एम है इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए, उनको देखता है। थर्ड है एडेड प्रोग्राम डिवीजन। एडेड प्रोग्राम डिवीजन भी जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ है उनको देखता है। फोर्थ है द ऑर्गेनाइज सेक्टर डिवीजन। ऑर्गेनाइज सेक्टर डिवीजन में क्या होता है कि जो पॉलिसीज का जो डिपार्टमेंट होता है और जो अफेक्टिव फैमिली प्लानिंग एक्टिविटीज़ ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या होता है कि जो फैमिली प्लानिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का वर्क करता है। उसके बाद में लास्ट वन है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन में क्या होता है कि द डिवीजन असाइंड प्रोग्राम टू वॉलंटरी एजेंसी एंड असिस्ट द इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एजेंसी, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं इसका टेक्निकल विंग। तो टेक्निकल विंग में क्या करता है, जो हमने प्रोग्राम है वो अचीव कर लिया है, इट लुक आफ्टर अचीवमेंट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके अंदर वेरियस एक्टिविटीज़ आएगी, जैसे कि ट्रेनिंग, रिसर्च, सर्विसेज सच एज एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, प्रिवेंशन अगेंस्ट एनीमिया, माल न्यूट्रिशन, टिटनेस, रेगुलर इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, ठीक है। तो ये सब इसमें देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके भी कुछ डिवीज़न होते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ डिवीज़न,
इवालुएट एंड इंटेलिजेंट डिवीजन, टेक्निकल ऑपरेशन डिवीजन, मास एजुकेशन एंड मीडिया डिवीजन, निरोध मेकिंग डिवीजन एंड एरिया प्रोजेक्ट डिवीजन। ठीक है, ये इसके कुछ डिवीजन हैं। उसके बाद में नेक्स्ट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट नेशनल लेवल के बाद में देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन एट स्टेट लेवल। तो इसमें क्या होता है, जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो एडमिनिस्टर जो स्टेट लेवल है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, स्टेट लेवल की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू स्टेट लेवल की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि जो इसमें थ्री टायर सिस्टम होता है, ठीक है, जिसको कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेट कैबिनेट कमेटी। तो इसमें देखते हैं कि स्टेट कैबिनेट कमेटी में क्या होता है कि जो चीफ मिनिस्टर होता है वो चेयरमैन होता है इसका, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फाइनेंस एंड सोशल वेलफेयर इसके मेंबर्स होते हैं स्टेट कैबिनेट कमेटी के। ठीक है, तो इस कमेटी का फॉर्मुलेशन क्यों होता है, द कमेटी फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड रिव्यू द प्रोग्रेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, सेकेंड है स्टेट फैमिली प्लानिंग काउंसिल। तो स्टेट फैमिली प्लानिंग काउंसिल में क्या होता है कि इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी इन रिलेशन टू फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। ठीक है, थर्ड होता है द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड स्टेट फैमिली वेलफेयर ब्यूरो। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इट असिस्ट द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड इट रेस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोग्राम। तो इसके अंदर हम इसके कुछ कुछ प्रोग्राम है वो देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। ठीक है, स्टेट डिपार्टमेंट हेल्थ में इसके फोर कंपोनेंट्स है। पहला स्टेट कैबिनेट कमेटी होगा, ठीक है, फिर होगा स्टेट फैमिली प्लानिंग काउंसिल बोर्ड, फिर होगा एक्शन ऑफ इंप्लीमेंटिंग कमेटी, उसके बाद में स्टेट फैमिली प्लानिंग ब्यूरो। तो उसके बाद में स्टेट फैमिली प्लानिंग ब्यूरो के अंदर जो इसके फोर डिवीज़न होते हैं जो कि प्रोग्राम को कैरी आउट करते हैं, जैसे कि पहला ऑपरेशनल प्लानिंग एंड ट्रेनिंग डिवीज़न, सेकेंड है एजुकेशन एंड फॉर्मेशन डिवीज़न, फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टेट डिवीज़न, एंड फिफ्थ है स्टेटिक डेमोग्राफिक एंड इवालुएशन डिवीज़न। उसके बाद में थर्ड है अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल। हमने पहले देख लिया नेशनल लेवल, फिर स्टेट लेवल, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज इंचार्ज ऑफ प्रोग्राम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, तो इस प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस प्रोग्राम का इंचार्ज कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ठीक है, तो इसके भी कुछ डिवीज़न होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन डिवीज़न एंड फील्ड ऑपरेशनल एंड इवालुएशन डिवीज़न। ठीक है, तो इसको चार्ट के थ्रू देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फैमिली प्लानिंग ब्यूरो, उसके बाद में ये इसके तीन जो डिवीज़न है वो। तो इसमें सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिवीज़न, विद एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में क्या देखते हैं कि जो इसमें क्या क्या देखते हैं, पहला तो होता है मेंटेनिंग एडिक्वेट स्टोर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, ये देखते हैं, फिर देखते हैं मेंटेनिंग एडिक्वेट सप्लाई। ठीक है, और प्रोवाइड हाउसकीपिंग सर्विसेज इन अकाउंट्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, दूसरा एजुकेशन एंड इम्प्लीकेशन डिवीज़न में कौन कौन से सर्विस को फॉलो करते हैं, तो इंफॉर्मेशन सर्विस, एजुकेशन सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, मोबाइल ऑडियो विजुअल यूनिट, तो ये सब सर्विस को फॉलो करते हैं। और उसके बाद में फील्ड ऑपरेशन एंड इवालुएशन डिवीज़न में क्या करते हैं कि जो मोबाइल फैमिली प्लानिंग यूनिट्स हैं फॉर जनरल फैमिली प्लानिंग सर्विसेज एज वेल एज स्टरलाइजेशन सर्विसेज, तो वो प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि सर्विस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वो चेयरमैन के साथ में, और जिला परिषद, सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर एंड और अदर इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं वो स्टेट इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ है अपना ऑर्गेनाइजेशन एट लोक लेवल।
तो ऑर्गेनाइजेशन एट ब्लॉक लेवल पे क्या होता है कि द मेन यूनिट ऑफ फैमिली प्लानिंग एट ब्लॉक लेवल इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। तो जो फैमिली प्लानिंग की जो ब्लॉक लेवल है उसका जो उसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो मेन यूनिट होता है। इट प्रोवाइड सर्विसेज टू पीपल टू मीट देयर नीड, ठीक है। तो डिलीवरी ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, इसमें क्या क्या सर्विसेज देते हैं कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग मेथड, मास कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ एलिजिबल कपल्स, टारगेट कपल्स जैसे कि 2 और 3 लाइव चिल्ड्रन हो जिनके, टू बी डायरेक्टर टुवर्ड्स फैमिली प्लानिंग मेथड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेवल्स। ओके, थैंक यू।